जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। क्या नाम है तेरा यार? भले। अच्छा मैं अब भले हो गया? हाँ मेरा नाम फजल बख्श, तेरा दोस्त जो ले गया। मुंह उठा के चले आते हैं बद। चलते भी नहीं है। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं, बच्चा अमीर मर जाएगा बाबा।
जो तू के
मुर्शिद मेरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा जा रहा था, अंदर बड़ा खौफनाक था, यूं लग रहा था जैसे कोई शिद्दत से गुस्से में दरवाज़ा पीट रहा हो। हज़रत जनाब बिन अलराद रज़िल्लाहा ने हज़रत सईदा बिन ज़ैदा रज़िल्लाहा की तरफ़ देखा। एक लम्हे के लिए तो वो भी खौफ ज़दा हो गए थे। हज़रत सईद बिन ज़ैदा रज़िल्लाहा ने बीवी हज़रत फ़ातिमा बिन खताब ने हैरत से इस अपने शोहर की तरफ देखा। तीनों के चेहरों पर खौफ के साए थे। दरवाज़ा एक मरतबा फिर ज़ोर ज़ोर से दड़ दड़ पीटे जा रहा था। ये कौन हो सकता है, हज़रत फ़ातिमा बिन्त खताब रज़िल्लाहा ने कहा। पता नहीं कौन है, मगर इतना ज़रूर है जो जो भी है सख्त गुस्से में है। हाँ, तुम ठीक कहती हो जनाब। इस बार हज़रत सईदा बिन ज़ैदा रज़िल्लाहा ने कहा। दरवाज़ा मुसलसल खटखटाता जा रहा था। ऐसे लगता था जैसे कोई दरवाज़े पर गुस्सा निकाल रहा हो, मगर किसी में हिम्मत ना हुई कि उठ कर दरवाज़ा खोलता। वक़्त गुजरता रहा जैसे जैसे कोई दरवाज़े पर गुस्सा निकाल रहा हो, मगर अच्छा पीछा हटाया। आप दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा जाएगा, मुझे लगता है किसी को हमारे इस्लाम लाने की खबर हो गई है। हज़रत फ़ातिमा ने खुद ज़रा से किया। हाँ, मेरे भी यही ख्याल है, अगर ऐसा है तो बहुत बुरा हुआ। अगर हमारे इस्लाम लाने की खबर छुपी रहती तो अच्छा होता। काफ़र तो हर मुसलमान होने वाले शख्स पर जुल्म करने लगे हैं। हज़रत खिताब बिन अलराद रज़िल्लाहा ने कहा। मगर ये कौन हो सकता है, हज़रत सईद बिन ज़ैदा रज़िल्लाहा ने देव चे लहजे में कहा। कहीं उमर ना हो, हज़रत जनाब बिन अलराद रज़िल्लाहा ने ख्याल जहर किया। हाँ, फिर तीनों के चेहरे खौफ से सफ़ेद पड़ गए। उमर बिन खताब, और बहुत बुरा हुआ, वो तो सलाम का सख्त दुश्मन है, वो तो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। हज़रत फ़ातिमा बिन खताब रज़िल्लाहा ने खौफ ज़दा होते हुए कहा। उमर, तू सलाम का सख्त दुश्मन है, और फिर वो बहादुर भी तो बहुत है, किसी का लिहाज नहीं करता, हर कोई इसके गुस्से से डरता है। हज़रत खताब बिन रज़िल्लाहा ने कहा, और फिर तीनों के चेहरे खौफ से सफ़ेद पड़ गए। अगर वो उमर तो फिर इनकी खबर नहीं थी। उमर तो किसी का लिहाज नहीं करते थे। उमर अरब के सबसे बहादुर शख्स थे। उमर की 30 साल से कुछ ज़्यादा थी, मगर पूरे मक्का में इनकी दहकन थी। हर शख्स इनसे खौफ ज़्यादा थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि इनके मुकाबले में आए। उमर की तलवार से हर शख्स कांपता था। बड़े बड़े सरदार इनसे नज़र मिलाते हुए डरते थे। दरवाज़ा एक बार फिर ज़ोर से धड़ गया। मेरा ख्याल है कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर उमर है तो इनसे बात कर लेंगे, हम हक पर हैं और वतन रहे हैं। हम इसे साफ साफ कह देंगे कि हमें बुतों की इबादत नहीं कर सकते, हम एक खुदा पर ईमान लाए हैं, अब मैं इसकी इबादत करेंगे, तुम लोग अपना खौफ दूर करें, मैं उठकर दरवाज़ा खोलता हूँ। यह कहकर हज़रत सईदा बिन रज़िल्लाहा उठकर खड़े हो गए, और हज़रत खताब बिन अलारत रज़िल्लाहा घर की पिछली तरफ जाकर छुप गए, और हज़रत सईद बिन ज़ैदा रज़िल्लाहा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, फिर दूसरी लहले दक से रह गए। इसके सामने उमर बिन खताब खड़े थे, आँखों गुस्से से सुर्ख हो रही थी।